काम किया। जमाना काफी आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी का जमाना है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरी हुई गाड़ी आई है एमजी से, ये है एमजी की एस्टर। दिस इज़ द फर्स्ट कार दैट कम्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम आ गए हैं टू चेक इट आउट। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे सब कुछ ऑन दिस फ्यूचर रेडी कार जो अब रेडी है आज के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं एमजी की एस्टर काफ़ी कुछ शेयर करती है अपने जो इलेक्ट्रिक कज़िन है ZS EV, जो एमजी की इलेक्ट्रिक कार है उससे काफ़ी कुछ शेयर करती है ये गाड़ी। लेकिन काफ़ी कुछ बदला है इसमें, क्या बदला है आपको बताते हैं। फर्स्टली इसका आप देखें तो इसका जो ग्रिल है ये काफ़ी बड़ा ग्रिल है। दिस कम्स विद द सेलेस्टियल जो लुक है, जो डिज़ाइन है वो कहते हैं, बट फॉर मी इट इज़ द स्टार बस्ट डिज़ाइन। एमजी का काफ़ी बड़ा लोगो है। ये ब्रश मेटल का जो फिनिश है वो काफ़ी एक सूदिंग लुक देता है। इसका जो बम्पर है वो भी अलग है, आपको फॉस किट प्लेट मिल जाते हैं विद ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स। ऑल LED जो इसके हेडलैम्प्स हैं, इसके अंदर भी आपको क्रिस्टल का जो इफेक्ट वो दिखेगा। DRLs हैं, ये बूमरैंग वाले DRLs हैं इसमें। इसका जो फ्रंट फेस है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जच रहा है। इसके जो फॉग लैम्प्स हैं वो अगेन येलो वाले हैं, हेलोजन आई वुड हैव लाइक वाइट वाले फॉग लैम्प्स विद दिस ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स। एक शार्प फेस है इसमें, एक काफ़ी स्पोर्टी लुक है जो अलग दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू द ZS EV। साइड्स की बात करते हैं, साइड को देखें तो फर्स्टली यू गेट दिस ब्रिट वाला लोगो। ये MG है, MG कम्स फ्रॉम UK, तो ये ब्रिट वाला लोगो है जो आपने देखा था ग्लॉस्टर पे, हेक्टर पे। 17 इंचेस के आपको व्हील्स मिल जाते हैं, गेट दिस नाइस ड्यूअल कलर वाले एलॉयज। आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं इसमें, अगेन गिव्स अ स्पोर्टी लुक। ये आपको SUV का जो लुक है उसको उभारने के लिए आपको ये फाइबर का इंसर्ट मिल जाता है। ब्लैक हाउसिंग वाले आपको विंग मिरर्स मिल जाते हैं विद LED ग्लो अगेन इन दम। साइड का जो प्रोफाइल है वो काफ़ी शार्प है, दिस लाइन गोज़ वेरी शार्प। ये वेस्ट लाइन है, ये यहाँ पे ऊपर जाके दिस अगेन गिव्स यू अ नाइस स्पेशियस हम्प, ये अंदर का जगह बड़ा कर रहा है। दिस कम्स आउट, क्रोम के डोर हैंडल्स हैं। इसका जो लोअर सेक्शन है, अगेन यू गेट दिस मड वाले इंसर्ट ओवर हियर, दिस इज़ अनपेंटेड वाले क्लैडिंग दैट कंटिन्यू फ्रॉम द व्हील आर्क, ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट है। यू गेट दिस 3 कलर का प्ले, बॉडी कलर, ये ग्लॉसी ब्लैक, अगेन दिस यू नो अनपेंटेड फाइबर क्लैडिंग, गिव्स अ नाइस सूदिंग इफेक्ट। रूफ रेल्स है इसमें, दिस इज अगेन मेटल फिनिश, ये ब्रश मेटल फिनिश वाले रूफ रेल्स। प्रैक्टिकल्स तो नहीं है इसमें, माउंटिंग का कोई सॉकेट नहीं दिख रहा, कोई देर इज़ नो माउंटिंग पोर्ट ऑन दिस। आइए चेकआउट करते हैं इसका रेयर सेक्शन। रेयर प्रोफाइल चेकआउट करने के पहले लेट मी टेल यू कि ये ZS EV पे बेस्ड है लेकिन काफ़ी कुछ अलग है। जैसे कि ये टेल लैम्प, इसमें आपको मल्टी LED क्लस्टर वाला लैम्प मिल जाता है, एक वेरी डिफरेंट ग्लो। ये LED टेल लैम्प है, इसमें अगेन यू हैव दिस वेरी नाइस क्रिस्टल वाला इफेक्ट। इसका बम्पर भी रीडिज़ाइन किया हुआ है, इट्स टोटली ऑल न्यू, ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट है। यहाँ पे आपको स्टॉप लैम्प मिल जाता है, आपको फॉग स्किड प्लेट मिल जाते हैं। यू गेट दिस ट्विन एग्जॉस्ट ओवर हियर, आई डोंट थिंक दिस आर प्रैक्टिकल, ये सिर्फ फॉर एग्जॉस्ट है। स्किड प्लेट अगेन गिव्स यू अ वेरी स्पोर्टी इफेक्ट टू द कार। एस्टर का एक बड़ा ब्रांडिंग है, MG का एक काफ़ी यू नो बड़ा एक प्रोमिनेंट लोगो है। ये खुलता ऐसे है, दिस इज हाउ इट ओपन्स, दिस इज अगेन दैट जो टिपिकल अगर आप बोल दो Volkswagen स्टाइल बोल दो या वॉट एवर, दैट इज हाउ इट ओपन्स। आपको एक रूफ स्पॉयलर मिल जाता है, एक रेयर ग्लास स्पॉयलर मिल जाता है। रूफ में आपको एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, आपको दिखाएंगे व्हेन वी गेट इनटू द कार। दिस इज़ एन AI कार, दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI एनेबल्ड कार।
इसके जो फीचर्स हैं, जो फ्यूचरिस्टिक फीचर्स हैं, जो कनेक्टेड फीचर्स हैं, जो एडास फीचर्स हैं, वो आपको बताएंगे व्हेन वी गेट इनटू द कार। एस्टर का बूट खुलता है ऐसे, सब इट गोज अप। काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है इसमें, दिस नाइस ट्रे ओवर हियर विद एमजी ब्रांडिंग। वाइड ओपनिंग है, थोड़ा हाई सा प्लेस किया हुआ बूट है, बट ठीक ही है। कुछ इसका हम चेकआउट करेंगे ड्यूरिंग आवर ड्राइव। फॉर नाउ लेट्स चेकआउट द इंटीरियर्स। तो भाई यहाँ पे क्या है, आपको एक ड्यूअल टोन वाला डैशबोर्ड मिल जाता है। वी आर टोल्ड ये आपको थ्री कलर कॉम्बिनेशन में मिलेगा। यू गेट ऑल ब्लैक, यू गेट आइवरी एंड ब्लैक, एंड यू गेट दिस नाइस रेड एंड ब्लैक। सिल्वर के इंसर्ट्स हैं यहाँ पे, ये सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, लाइक दोस प्रीमियम कार्स। आपको यहाँ पे एक फॉ स्टिचिंग मिल जाता है, ये मेटल इंसर्ट है यहाँ पे स्किड पैड पे। अगेन यू हैव दिस नाइस सॉफ्ट वाला लेदर कवरिंग। ये कलर चेंज होता है इन ऑल द कलर कॉम्बिनेशंस। ये काफ़ी सूदिंग है। इसमें ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स है एसी वेंट्स के ऊपर। जो खासियत है, जो की यूएसपी है डैशबोर्ड का, वो है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हब कह दीजिए। दिस इज़ द रोबो, दिस इज़ द वॉइस दैट असिस्ट यू, दिस इज़ द पर्सन। ये मुँह एस्टर का चेहरा है, ये दिस इज़ द मिनी एस्टर इन द एस्टर। हेलो एस्टर, तो ये ऐसे आपकी तरफ मुड़ के बात करेगा। इफ़ इट इज़ द पैसेंजर तो ये वहाँ पे मुड़ेगा, तो दैट इज़ द एस्टर। आपको हम बताएंगे इसके फीचर्स कैसे हैं। आफ्टर द एआई एस्टर, जो यहाँ पे एआई का जो रोबो है, उसके बाद में जो सेकेंडरी अट्रैक्शन मेरे को लगा डैशबोर्ड में, वो है ये टच स्क्रीन। ये अगेन आपको रिमाइंड करेगा ZS वाला या फिर हेक्टर वाला जो लेटेस्ट जनरेशन MG का है। अगेन द सेम स्किन इज़ यूज ऑन दिस। ये हाईली कस्टमाइजेबल AVN सिस्टम है। इट कनेक्ट्स टू ऑल द एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड, एंड आपका मोबाइल, ब्लूटूथ। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव लॉट मैनी ऐप्स दैट MG एस टाइड अप विथ। MG ने टाई अप करा है जियो सावन के साथ में, जिसको आपको इसमें जियो का ई सिम तो है ही, इसके अलावा यू ऑल्सो हैव जियो सावन प्रीमियम अकाउंट। ब्लॉकचेन इंश्योरेंस का भी इसमें ऐप है, दे हैव अ टाई अप विद दैट, जो आपके ड्राइविंग मैनर्स है उसको रीड करता है, उसको जज करता है, एंड इट हेल्प्स यू लोअर योर कार का इंश्योरेंस, द प्रीमियम दैट यू पे। नेक्स्ट इज़ मैप माई इंडिया गेट्स यू 4D एप्स ऑन नेविगेशन के लिए ऑन योर AVN सिस्टम। दिस अगेन हैज़ अ टाई अप विद देम। एंड द लास्ट इज़ द पार्किंग वाला जो ऐप है, दैट यू कैन यू नो प्री बुक योर पार्किंग। अगर आप कहीं पे जा रहे हो एंड यू नीड टू यू नो प्री बुक योर पार्क स्पेस, तो आपको सिर्फ वो ऐप यूज़ करना है, एंड यू कैन प्री बुक योर ऐप मिनिमम 5 मिनट्स और मैक्सिमम 2 आवर्स के ड्यूरेशन पे। सो दैट इज़ अबाउट द AVN सिस्टम। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यू हैव दिस अगेन ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये आपको हम बताएंगे इन डिटेल। इट हैज़ ऑल द टेलटेल ग्लो, काफ़ी क्लियर है, काफ़ी कलरफुल है। यू कैन सी ऑरेंज, येलो, ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लू, ऑल कलर्स पॉसिबल ये उन्होंने इसमें यूज़ किया हुआ है। अगर स्टेयरिंग की बात करें, तो आपको एक परफोर्टेड लेदर, एक हैंड स्टिच लेदर रैप वाला स्टेयरिंग मिल जाता है। दिस अगेन गिव्स अ गुड फील टू इट। इसमें आपको देर इज़ नो असिस्ट फॉर रीच, हाइट के लिए असिस्ट है इसमें। दिस अगेन हैज़ दिस मेटल इंसर्ट्स। अगर सीट की बात करें, तो आपको अगेन द ड्यूअल टोन ट्रीटमेंट जो है कलर स्कीम है वो कंटिन्यू है। दिस अगेन मेड ऑफ लेदर, हैंड स्टिच का जो पैटर्न है वो है इस पर कंटिन्यू। गेट दिस परफोरेशन ऑन दिस, इसमें लेकिन वेंटिलेटेड नहीं है, देर इज़ नो वेंटिलेशन ऑन द सीट, लेकिन ये फिनिश जो है वो दिया हुआ है ऑन द सीट्स फॉर वेंटिलेशन। कमिंग बैक टू द सेंटर कॉन्सोल, यू गेट दिस नाइस यू नो सी थ्रू वाला एक होल है यहाँ पे। दिस अगेन गिव्स अ नाइस इफेक्ट इस साइड पे। यू गेट दिस कार्बन फाइबर का जो फिनिश है, जो बटन के अलावा है अगल बगल में, वो आपको मिल जाता है। यू गेट दिस इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जो इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है वो मिलता है। यू ऑल्सो गेट एन ऑटो होल्ड फॉर योर ब्रेकिंग लाइक द प्रीमियम कार्स। शिफ्टर जो है वो अगेन लेदर रैपिंग से बना हुआ है। इसमें आपको मेटल का इंसर्ट मिल जाता है। एवरीथिंग फील्स क्लासी एंड इट फील्स प्रीमियम। लेट्स चेक आउट द रेयर सीट्स। रेयर सीट चेकआउट करते हैं। इसके पहले लेट मी टेल यू कि आपको ड्राइवर में साइड के सीट में यू गेट दिस इलेक्ट्रिक असिस्ट। ये टोटल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है। लेट्स चेकआउट द रेयर। अगर रेयर सीट की बात करें, तो कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है। द सीट इज़ सेट टू माई हाइट 5'6" 5'7". लेग रूम काफ़ी ज़्यादा है, हेड रूम, शोल्डर रूम किसी का आप देख रहे हैं। लेकिन खासियत ये है कि आपको पीछे के सीट में यू गेट दिस थर्ड एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो कि कमी कारों में मिलता है।
यू गेट थ्री एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आपको फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है, एंड इसमें आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं. कंफर्ट लेवल इज़ वेरी गुड. आपको यूएसबी के 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, एसी के भी 2 वेंट्स हैं पीछे. आपको मैप के होल्डर्स मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं. अगेन यू गेट दिस नाइस मेटल इंसर्ट्स, लेदर का जो टू टोन इफेक्ट है वो कंटिन्यू है डोर पैड में, काफ़ी अच्छा है. क्वार्टर ग्लास भी अंदर लाइट ला रहा है. एवरीथिंग फील्स वेरी वेल पुट टुगेदर. आपको बताते हैं अबाउट एडास. जो खासियत है ऑन द एमजी एस्टर वो है एडास का फीचर. एडास मींस ऑटोनोमस लेवल 2 का जो ड्राइविंग है उसके लिए रेडी है एस्टर. सो जो आपने देखा था ग्लॉस्टर में वो यहाँ पे कंटिन्यू है. इनफैक्ट दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एडास. ये एडास 2 का जो फीचर है वो है इसमें. ये चलता है यूजिंग द रडार्स कैमरा एंड सेंसर्स. ये जो सामने का रोड है जो 360 डिग्री आपके गाड़ी के अगल बगल है उसको रीड करता है, उसको सेंस करता है, एंड इट सेंस सिग्नल्स टू द कार एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंगली. इसमें आपको यू गेट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, यू गेट लेन डिपार्चर वार्निंग, यू गेट सो मेनी फीचर्स. यू गेट इवन रिवर्सिंग का जो वार्निंग है वो आपको मिल जाता है. पेडिस्ट्रियन का जो है सेफ्टी फीचर है वो मिल जाता है. ऑटोमेटिकली कार ब्रेक करता है, ऑटोमेटिकली गाड़ी अपना स्पीड बढ़ाता है, उसको मैन्यूवर करता है. दिस इज़ समथिंग वेरी फ्यूचरिस्टिक, एंड ये पहली गाड़ी है सेगमेंट में जो ये फीचर्स के साथ में आएगा. एंड इसके अलावा यू ऑल्सो गेट मोर देन 80 कनेक्टेड कार फीचर्स. जो खासियत रह चुकी है इंटरनेट इनसाइड जो कहते हैं एम जी को, वो फीचर्स भी बरकरार है ऑन द एस्टर. 80 कनेक्टेड कार फीचर्स, इसके अलावा एडास, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है एस्टर. एम जी एस्टर को पावर करते हैं 2 इंजन, दोनों ही पेट्रोल है. इसमें आपको डीजल ऑप्शन नहीं मिलेगा अभी के लिए. बोथ द इंजन आर पेट्रोल. एक है ये है टर्बो पेट्रोल इंजन. 1.4 लीटर का इंजन कैपेसिटी है इसका. इंजन बनाता है 140 पीएस ऑफ पावर. 220 एनएम का टॉर्क है इसमें. दिस कम्स मेटेड टू अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. इसमें आपको मैनुअल ऑप्शन नहीं मिलेगा. यू हैव अ सेकेंड इंजन जो कि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है. दैट इंजन मेक्स 110 पीएस ऑफ पावर. 144 एनएम का टॉर्क है उसमें. दैट कम्स विद अ 8 स्पीड सीवीटी ट्रांसमिशन. दैट इज़ द अंडर पावर इंजन एज कम्पेयर टू दिस. ये है टर्बो पेट्रोल एंड देर इज़ नो डीजल ऑप्शन ऑन द एस्टर एज ऑफ नाउ. माना कि आप बॉम्बे में हो और आपको आपके वाइफ के लिए गाड़ी स्टार्ट करके देना है. आपकी जो गाड़ी का की है वो आपके साथ में रह गया, तो यू जस्ट नीड हर टू इंस्टॉल द एमजी का जो ऐप है, जो कनेक्टेड ऐप है, वो आपको इंस्टॉल करना है उनके मोबाइल में. यू हैव दिस यूनिक फीचर कॉल्ड एज डिजिटल की. When you go into the digital key, ये कनेक्ट करता है कार के साथ में. इसके बाद में यू जस्ट नीड टू शेयर द क्रेडेंशियल्स. जो ऐप का क्रेडेंशियल्स है, जो पासवर्ड है, वो आपको शेयर करना है. आपको ये की एक्टिवेट करना है. यू टू जस्ट पंच इन द पासवर्ड. ये एक्टिवेट हो जाता है. इसके बाद में द कार विल यू नो द कार गेट्स अनलॉक्ड विदाउट द कार की, एंड द कार इवन गेट्स स्टार्टेड विद द डिजिटल की. तो ये है यूनिक डिजिटल की, द स्मार्ट की दैट रन्स थ्रू द ऐप ऑन द एमजी एस्टर. तो भाई ये था MG Astor का वॉक अराउंड वीडियो. इसको हम बहुत ही जल्द चलाएंगे. वी गोना पुट इट इन आवर रोड टेस्ट रिव्यू वेरी सून. आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड. आपको ये गाड़ी कैसे लगी? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली गाड़ी है. ये आपका जो ह्यूमन टच है वो कंबाइन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फ्यूचर है वो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भरे हैं. एज यू कैन सी दिस कार लुक्स गुड, दिस कार लुक्स प्रिटी यू नो चार्मिंग टू मी. आपको ये गाड़ी कैसी लगी आपको बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में. आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को. यू हैव टू मोटिवेट अस, यू हैव टू इंस्पायर अस टू गेट यू सम मोर यू नो मेनी सच वीडियोस टू यू. आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.